वेलकम फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, हम स्टडी करने वाले हैं हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस का लेक्चर नंबर 84। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से जो है मैं आपके लिए टोपोलॉजिकल स्पेस के लेक्चर नहीं दे पाया, ओके। और इसको ना देने के पीछे फ्रेंड रीजन था, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो मेन वर्क होता है वो होता है CSIR नेट के स्टूडेंट्स के लिए, और उस दौरान हम वहाँ टेस्ट सीरीज में बिजी थे। और अब जो है कोशिश करूंगा मैं कि जितना मेरे से टाइम निकल पाए मैं आपके लिए वर्क कर पाऊं और टोपोलॉजी के जो लेक्चर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं। हो सकता है फ्रेंड्स कि जो 15 जून है तब तक मैं जो आपको लेक्चर है वो रेगुलर ना दे पाऊं। वैसे फिलहाल तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि डेली हम लेक्चर करें, बट हो सकता है कि मैं डेली लेक्चर ना दे पाऊं। बट ये मेरा वादा है कि 15 के बाद जो है मैं अच्छे से इसके ऊपर वर्क करूंगा। आइए देखते हैं क्या सीखते हैं, डायडिक फंक्शन क्या होता है। आइए, क्या डायडिक फ्रैक्शन, देखो क्या है डायडिक फ्रैक्शन, ए रियल नंबर नंबर ऑफ द फॉर्म टू एम माइनस वन अपॉन में टू की पावर एन, ये बिलोंग करता है किसी क्लोज इंटरवल, मैं इसको ले रहा हूँ 0.1 फॉर ऑल m, n, ये कहाँ बिलोंग करते हैं n से, ये कहाँ बिलोंग करते हैं n से। कोई रियल नंबर अगर इस फॉर्म का हो, ये क्या फॉर्म है, ऊपर तो देखा जाए तो ऊपर तो है ओड नंबर, ऊपर अगर देखे तो क्या है ओड नंबर, और नीचे क्या है 2 की पावर में, ऊपर तो ओड नंबर है और नीचे 2 की पावर है, और इसका एवरी मेंबर जो m और n को आप कुछ भी पुटअप करो इसका आंसर हमेशा 0.1 में बिलोंग करेगा, इसका आंसर हमेशा 0.1 में बिलोंग करेगा। ये जो हमारे पास नंबर जो इस फॉर्म का है इसको बोला जाता है डायडिक फ्रैक्शन, क्या बोला जाता है डायडिक फ्रैक्शन नंबर बोला जाता है, ओके। पहली बात ठीक है, दूसरी बात ये मान लो ये सेट दे दिया 2m - 1 / 2^n, ठीक है। पहली बात तो ये होता है फ्रेंड, अगर आप इसका जो क्लोजर है वो अगर निकालोगे तो ये 0.1 आ जाएगा पूरा, क्या आ जाएगा, अगर इसके लिमिट पॉइंट की कलेक्शन निकालोगे आप, क्या निकालोगे इसके लिमिट पॉइंट की कलेक्शन, तो क्या होगा ये पूरा का पूरा ये सेट आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो ये जो सेट है ना ए, ये क्या होता है डेंस होता है, इसके अंदर क्या कहते हैं ए है इज डेंस इन, ए क्या होता है डेंस होता है 0.1 में, ओके। आप कहोगे सर इसका यूज क्या है फिलहाल, अभी फिलहाल यूज नहीं है, मैंने बता दिया जब मुझे इसका यूज करना होगा तब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, अभी फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि डायडिक फ्रैक्शन होता क्या है। कोई भी रियल नंबर जो किस फॉर्म का हो 2m - 1 / 2^n, जहां पे ये किसके अंदर बिलोंग करता है 0.1 में, इसको हम बोलते हैं डायडिक फ्रैक्शन नंबर, ओके। और आज का जो लेक्चर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम क्या करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लेम्मा को यूज सोल्व करेंगे, जो कि MSc के एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है हमारे पास यूरिसोन लेम्मा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप ये जो लेम्मा है ये कब करवाओगे। यूरिसोन लेम्मा हम करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ये लेम्मा, ध्यान से समझना। XT हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है A, टोपोलॉजिकल स्पेस ओके, इसका इज नॉर्मल, क्या होगा ये नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन से एफ फ्रोम एफ से एफ कहां से कहां तक, x से लेके किसी क्लोज इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल का नाम दे दिया मैंने 0.1, टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉर्मल इफ एंड देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन से एफ फ्रॉम x टू x दिस
पूरा लिख देता हूँ, नॉर्मल पूरा पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, क्या है, फॉर एवरी डिसज्वाइंट क्लोज सबसेट F1 एंड F2 क्या हो, कोई दो F1 और F2 क्या हो, कोई दो डिसज्वाइंट क्लोज एंड ऑफ X एंड ए क्लोज इंटरवल एंड ए क्लोज इंटरवल A, B किसके अंदर है, ये क्लोज R के अंदर, रियल लाइफ के ऊपर, कब, देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन F कहाँ से कहाँ तक, X से लेके क्लोज इंटरवल AB पे, सच दैट कि जब F आप अप्लाई करो किसके ऊपर, देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूस सच दैट, जब आप क्या करो, अप्लाई करो F कौन, F1, तब तो आंसर क्या आता हो इसका, पॉइंट ए, एंड जब आप एफ ये मैपिंग किस पे अप्लाई करो, F2 पे, तो आंसर क्या आता हो, B, ये है हमारे पास, बड़े ध्यान से समझना इसको, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया है एक टोपोलॉजिकल स्पेस है उसको आप नॉर्मल कहोगे, अभी तक तो देखो हमने नॉर्मल के बारे में क्या सीखा था, आपका क्वेश्चन हमारे माइंड से स्किप हो चुका क्योंकि आपने काफी टाइम बाद ये लेक्चर लिया था, हमारे माइंड से स्किप हो गया क्या था नॉर्मल, मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से याद दिला देता हूँ, ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है XT, इसको मैं नॉर्मल कहूंगा, कब, आप इसके कोई दो डिसज्वाइंट क्लोज सबसेट उठाओ, ये F1 है ये F2 है, दो डिसज्वाइंट क्लोज सबसेट है, इनके लिए आपको क्या लेके आना है, ओपन सेट लेके आना है, एक का नाम दे दिया G1 और एक का नाम दे दिया G2, और ऐसे होने चाहिए कि जो F1 है वो कहां कंटेनमेंट करता हो, G1 में, F2 है वो कहां कंटेनमेंट करता हो, G2 में, और G1 का इंटरसेक्शन G2 के साथ करे तो क्या आता हो, 5, अगर आप ऐसे कोई दो ओपन सेट लेके आ पाओ किसके अंदर, X के अंदर, तब हम क्या बोल देंगे कि जो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है दैट इज ए नॉर्मल, क्या है ये, नॉर्मल है, ओके अब आप यहां से एक चीज देखो फ्रेंड, यहां पर हमें टोपोलॉजी नहीं दी हुई, क्या नहीं दी हुई, टोपोलॉजी हमें नहीं दी हुई, हमें खुद सर्च करना, खुद हमें ओपन सेट सोच के लेके आने, कैसे हम ओपन सेट ले, ओके सबसे पहली बात तो ये, यहां काम किसके लिए चलना, क्लोज इंटरवल AB कोई भी ले लो, मैं यहां जो वर्क करने वाला हूं, क्लोज इंटरवल AB को मैं रिप्लेस करने वाला हूं 0,1 से, मतलब कि मैं क्या दिखाने वाला हूं, F जब लगाया आपने F1 पे तो 0 आ गया, एंड जब आपने F लगाया किसके ऊपर, F2 पे, तो ये आपका 1 आ गया, ओके और सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम इसका बैकवर्ड वर्क करेंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे, मतलब पहले मैं ये मान के चलूंगा ये जो कंडीशन है हमारे पास, मैं पहले आपको ये शो करके दिखाऊंगा ये जो स्पेस है हमारा नॉर्मल है, क्या, पहले मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाने वाला हूं स्पेस नॉर्मल है जब ये कंडीशन गिवन होगी, यानी कि मुझे जो है क्या दे दिया गया, मुझे ये बोल दिया गया अगर एक्स के आप कोई भी दो डिसज्वाइंट क्लोज सबसेट लेते हो तो उसके लिए आपको क्या मिलता है, एक कंटिन्यूस मैपिंग मिलती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, क्या टारगेट है, ये टारगेट है कैसे ना कैसे एक्स को क्या दिखाना, मुझे एक्स को ओपन दिखाना, सॉरी एक्स को क्या दिखाना, नॉर्मल दिखाना, और इसको दिखाने के लिए ध्यान से देखना मैं कैसे प्रूफ करूंगा, क्योंकि मैंने देखा मैक्सिमम बच्चे रट्टा मारते, रट्टा नहीं मारना, समझते हुए करेंगे और समझ के करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान से देखना,
ये हमारे पास XT है फ्रेंड, ओके, और ये मैंने एक क्लोज इंटरवल लिया 0.1, ठीक है। देखो फ्रेंड, सबसे पहले मुझे ये F1 है और ये मेरा F2 है, मेरा टारगेट ये है, मुझे ओपन सेट लेके आना, क्या लेके आना, ओपन से, और ये जो मैपिंग है F, दैट इज कंटिन्यूअस, क्या है ये, कंटिन्यूअस। सबसे पहले जो मेरा टारगेट है वो ये लेके आना, मुझे ओपन, क्या लेके आना, ओपन सेट लेके आना X के अंदर। अब ओपन सेट लेके कैसे आए, क्या करे, यहां मैं यूज करूंगा कंटिन्यूअस मैपिंग का। एक चीज जानते हैं, मैं सबसे पहले इसके अंदर ओपन एलिमेंट लेके आऊंगा, सबसे पहले मैं इसके अंदर ओपन लेके आऊंगा, और इसके अंदर जो ओपन है अगर आ गया तो हम ये जानते हैं इनवर्स इमेज ऑफ ए, क्या, इनवर्स इमेज ऑफ ए, ओपन सेट इज ओपन अंडर ए कंटिन्यूअस मैपिंग, अंडर ए कंटिन्यूअस मैपिंग, कंटिन्यूअस मैपिंग के अंडर ओपन की इनवर्स इमेज क्या आती है, ओपन। मैं ये दिखाऊंगा, पहले तो यहां ओपन है, अगर वो यहां ओपन हो गया तो उसकी इनवर्स इमेज कहां ओपन हो जाएगी, यहां, ओके। मुझे ओपन दिखाना इसके अंदर, तो सबसे पहले तो क्या करता हूं, मैं एक ओपन सेट ले लेता हूं, किसका, इसका सुपर सेट, ये क्या 0.1 का क्लोज इंटरवल, मैंने ले लिया आर, ये आर का तो सब सेट है ही, मैं क्या ले लेता हूं, इसका ओपन इंटरवल ले लेता हूं, ध्यान से, ओपन सेट ले लेता हूं मैं। मैंने क्या किया, लेट किया माइनस इनफिनिटी से लेके कोई भी पॉइंट, इसका उठा लो, इसका ले लिया मैंने मिड पॉइंट, कोई भी ले सकते थे, दिस एंड 1/2 से लेके इनफिनिटी आर ओपन सेट इन आर, ये जो है ये दो माइनस इनफिनिटी टू 1/2, 1/2 इनफिनिटी, ये क्या है, ओपन सेट है आर के अंदर, क्या है ये, ओपन सेट है आर के अंदर, ओके। अब आर के अंदर ये ओपन है, मेरा टारगेट है इसको इस क्लोज इंटरवल 0.1 में ओपन दिखाना। अच्छा याद है, ये जो 0.1 है ये तो सब स्पेस है आर का, 0.1 क्या है, सब स्पेस है आर का, आपको याद है, मान लो ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस था XT, और ये कोई YT कोई सबसेट था, सब स्पेस था, मान लो मुझे ये दिखाना था कोई एलिमेंट Y में ओपन है, अगर कोई एलिमेंट Y में ओपन दिखाना था तो हम क्या करते थे, हम एक ओपन सेट लेते थे G1, G1 क्या था, किसके अंदर ओपन था हमारे पास, G1 इज ओपन इन X, ये ओपन था किसके अंदर, X के अंदर, अगर आप इस G1 का इंटरसेक्शन किसके साथ कर देते थे, Y के अंदर, G1 का इंटरसेक्शन Y के अंदर कर देते थे, ये क्या आ जाता था, ओपन आ जाता था, ओपन किसके अंदर, Y के अंदर। अभी फिलहाल जो इसी का यूज करूंगा, ये दो सेट जो है हमारे पास ये ओपन है किसके अंदर, R के अंदर, किसके अंदर है, ओपन R के अंदर, और मेरा टारगेट ये है कि मैं इनको ओपन दिखा दूं 0.1 में, 0.1 में ओपन कब होंगे, जब इनका इंटरसेक्शन लिया जाएगा किसके साथ, 0.1 से, ओपन इन R, क्या करो, टेकिंग इंटरसेक्शन विद 0.1, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे सबका 0.1 के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो यहां क्या होगा, माइनस इनफिनिटी टू 1/2 इंटरसेक्शन 0.1 एंड यहां ये 1/2 कोमा इनफिनिटी इंटरसेक्शन 0.1 आर ओपन हो जाएंगे किसके अंदर, इन आर इंटरसेक्शन 0.1, ये हो गया। अब यहां देखो, इनका इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लो, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, जीरो, देखो यहां भी और यहां भी है जीरो, तो जीरो की साइड से क्लोज, 1/2 यहां है, 1/2 यहां नहीं है, तो 1/2 की साइड से ओपन, ये आ गया। एंड दूसरा सेट हमने ले लिया इस, वही 1/2 यहां है, यहां है, 1/2 यहां नहीं है, यहां है, तो 1/2 की साइड से ओपन, एक यहां भी और यहां भी है, तो 1/2 क्लोज, ये आगे इनका इंटरसेक्शन आर ओपन, बाकी लाइन एज इट इज, ये ओपन है किसके अंदर, 0.1 में, क्या है ये, ओपन है 0.1 में, क्योंकि आर का इंटरसेक्शन 0.1 से करेंगे तो क्या आएगा, 0.1, ओके। अब इनका कुछ नाम रख लेते हैं, क्या इनका कुछ नाम रख लेते हैं हम, या नहीं रखते कोई दिक्कत नहीं है, ये ओपन आगे किसके अंदर, 0.1 में, ओके। और अभी जो है मैं इसका यूज करने वाला हूं कंटिन्यूटी का, क्या करने वाला हूं मैं, ये यूज करने वाला हूं कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी क्या कहती है हमें, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज अगेन ए ओपन अंडर ए कंटिन्यूअस मैपिंग,
अंडर ए कंटिन्यूस मैपिंग इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज अगेन ए ओपन। ये दोनों की दोनों कैसे सेट है, ओपन है। ये दोनों की दोनों सेट ओपन है किसके अंदर, 0,1 में। ये दोनों की दोनों ओपन है किसके अंदर, 0,1 में। क्या ये दोनों के दोनों ओपन है, 0,1 में। मेरा टारगेट, पहली बात तो अगर ये ओपन है तो इसकी जो इनवर्स इमेज आएगी, तो क्या आएगी जो इसकी इनवर्स इमेज, एक तो आएगा एफ इनवर्स 0.5 और दूसरा आएगा एफ इनवर्स 0.5 और 1। ये दो ओपन सेट आ गए किसके अंदर, एक्स के अंदर। और क्लियरली ये दोनों के दोनों ओपन है। क्या है, ये दोनों के दोनों ओपन। आप कहोगे सर क्यों है ये दोनों के दोनों ओपन। अब यहां कंटिन्यूटी थ्योरम ये कहती है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट, इनवर्स इमेज ऑफ ए ओपन सेट इज अगेन ओपन। ये ओपन सेट है किसके अंदर, 0,1 में। ये दोनों के दोनों क्या है, ओपन है 0,1 में। तो इनकी जो इनवर्स इमेज है वो भी क्या आएगी, ओपन। इनकी जो इनवर्स इमेज है वो भी क्या आएगी, ओपन। यहां से तो हम क्या कह देंगे, यहां से हम ये बोल देंगे कि एफ इनवर्स 0,1/2 एंड 1/2 पे ओपन, एंड एफ इनवर्स आर ओपन इन एक्स, ओपन हो गई है। अभी देखो क्लोज दिखाने के लिए दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन तो ये थी इसको कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिलना चाहिए, सिमिलरली इसको कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिलना चाहिए, और दोनों के दोनों डिसज्वाइंट भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों डिसज्वाइंट भी होने चाहिए। ओके आइए एक बार ये मैं रफ कर देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि जो हमारे पास एफ इनवर्स 0,1/2 का जो ओपन इंटरवल है इसका नाम मैंने दे दिया जी, और एफ इनवर्स 1/2,1 इसका नाम मैंने दे दिया एच, ये नाम दे दिए, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ओपन सेट है, ये क्या है, ये ओपन सेट है किसके अंदर, एक्स के अंदर। पहले मैं ये क्लेम करूंगा, वी क्लेम दैट जो एफ वन है वो तो कंटेनमेंट करता है जी में, एंड जो एफ टू है वो कंटेनमेंट करता है एच में। याद है नॉर्मल दिखाने की यही तो डेफिनेशन थी। आप कोई भी दो डिसज्वाइंट क्लोज सेट लो, उनको कंटेन करने वाले दो ओपन सेट मिलेंगे और उनका इंटरसेक्शन करोगे तो फाई आएगा। मेरा टारगेट ये क्लेम करने का है। अब क्या मेरा टारगेट ये क्लेम करने का कि जो F1 है वो हमारा G में बिलोंग करता है, F2 जो है वो H में बिलोंग करता है। आइए नाउ मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया, लेट कर लिया A कोई एलिमेंट है जो कहां बिलोंग करता है, F1 में। ओके एंड वी नो दैट कि जब आप एफ मैपिंग अप्लाई करते हो एफ वन पे तो आंसर क्या आता है, सिंगलटन जीरो। हमने डिफाइंड ही ऐसे किया था कि जो एफ मैपिंग है एफ वन पे लगाते हैं तो सिंगलटन जीरो है, और जब एफ मैपिंग एफ टू पे लगाते हैं तो सिंगलटन वन है। ये हमने डिफाइंड किया था। ओके एफ एफ वन का आंसर हमेशा क्या आता है, सिंगलटन जीरो। इसका आंसर क्या आता है, जीरो। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है आप एफ वन का कोई भी मेंबर लो उस पे जब आप एफ अप्लाई करोगे तो जीरो आंसर आएगा। क्या आप एफ वन का कोई भी मेंबर लो उस पे एफ अप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। यहां लिया ए, ए किसका मेंबर है, एफ वन का, तो एफ ऑफ ए का आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ ए का आंसर आएगा जीरो। और जीरो फर्दर कहां बिलोंग करता है, जीरो फर्दर कंटेनमेंट करता है इन दोनों में से किसके अंदर, 0,5 के इस इंटरवल में। इसको तो जाओ भूल, अब इसको देखो एफ ऑफ ए कहां बिलोंग करता है, 0 और 10। इसको उठा के वहां ले जाओ तो यहां से क्या हो जाएगा, ए कहां बिलोंग कर गया, एफ इनवर्स 0,1/2। एफ इनवर्स 0,1/2 का क्या नाम था, जी। यानी कि ए किसके अंदर बिलोंग कर गया, जी के अंदर। ए जो है किसका एलिमेंट था, एफ का। कैसा एलिमेंट, एफ वन का कैसा एलिमेंट था, आर्बिट्रेरी। ए जो है एफ वन का कैसा एलिमेंट था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। लिख दो यहां ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एफ वन। ए क्या है, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था एफ वन का, और वही कहां आ गया, जी में। मतलब एफ वन का एवरी एलिमेंट कहां आ गया, जी में। मतलब जो एफ है वो कहां कंटेनमेंट, एफ वन है वो कहां कंटेनमेंट कर गया, जी में।
ये बात तो चलो प्रूफ कर दी। अब प्रूफ करते हैं कि जो F2 है वो कंटेनमेंट करता है H में, जो F2 है वो कंटेनमेंट करता है H में। आप कहोगे सर ये भी प्रूफ हो जाएगा, कैसे? लेट किया B बिलोंग करता है F2 में, B एनी एलिमेंट, ओके। एंड क्या है हमारे पास कि जो मैपिंग है F वो F2 पे लगाने पे आंसर क्या देती है? 1। मतलब क्या है इसका? ये मतलब है F2 का आप कोई भी मेंबर लो, उस पे जब F अप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। B किसका मेंबर है? F2 का, तो जब F अप्लाई होगी B पे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1। और 1 कहां कंटेनमेंट होता है? ओपन इंटरवल 1/2 से 1 के क्लोज इंटरवल में, 1 इसके अंदर बिलोंग करता है। FB जो है इसको जाओ भूल, यहां से क्या बोल देंगे, FB कहां बिलोंग कर गया? 1/2 से 1 में। एफ इनवर्स इस, ये F वहां जाके इनवर्स में, तो B कहां बिलोंग कर गया? F इनवर्स 1/2 1। और इसका क्या नाम है? F इनवर्स, इसका क्या नाम है? इसका नाम हमारे पास है H। मतलब B कहां बिलोंग कर गया? H में। B क्या था? F2 का एलिमेंट। कैसा एलिमेंट था? आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एनी। एनी का मतलब होता आर्बिट्रेरी। B कैसा एलिमेंट था F2 का? आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। वही कहां आ गया? एच में। मतलब कि पूरा का पूरा F2 जो है वो कहां बिलोंग कर गया? एच में। ये बात तो दिखा दी मैंने कि F1 को कंटेन करने वाला तो G मिल गया, F2 को कंटेन करने वाला H मिल गया। अब कैसे ना कैसे मैं ये शो करके दिखाने वाला हूं कि G का इंटरसेक्शन जब आप H के साथ करोगे तो फाई आएगा। क्या? जब G का इंटरसेक्शन F के साथ करोगे तो फाई आएगा। अगर मैंने आपको ये शो करके दिखा दिया कि G का इंटरसेक्शन F के साथ किया तो G का इंटरसेक्शन H के साथ किया तो फाई आ गया, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। आप कहोगे सर सो इजी है प्रूफ करना, मैं कहूंगा ये करते हैं। मैं कहूंगा पहले तो ये बताओ जी नाम दिया किसका हुआ है? आप कहो सर एफ इनवर्स 0,1/2, और एच किसे बोल रहे हैं हम? एफ इनवर्स 1/2 और 1 का क्लोज, ओके। मैं कहूंगा आपको एक रिजल्ट याद है? आप कहो सर क्या? मैं कहूंगा आपको याद है एफ इनवर्स जो होता है ए इंटरसेक्शन बी पे कैसे वर्क करता है? आपको ये सर याद है एफ इनवर्स ए और एफ इनवर्स बी? मैं कहूंगा वेरी गुड। मैं कहूंगा एफ इनवर्स यूनियन पे कैसे वर्क करता है? आपको सर इसमें भी क्या नई बात है, एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी ऐसे वर्क करता है। मतलब इंटरसेक्शन से एफ इनवर्स डायरेक्ट बाहर आ जाता है, यूनियन से भी ऐसे ही आ जाता है। अब जो मुझे क्लेम करना है, मैं लेके चला जी इंटरसेक्शन एच, मतलब इन दोनों को डिसज्वाइंट दिखाना है मुझे। आओ जी की वैल्यू एफ इनवर्स 0 और 1/2, इंटरसेक्शन एफ इनवर्स 1/2 और 1, यहां से क्या कॉमन है? एफ इनवर्स कॉमन ले लिया। एफ इनवर्स कॉमन लेने से क्या हो गया? ये 0 और हाफ, 0 से तो क्लोज, 1/2 से ओपन, इंटरसेक्शन 1/2 से ओपन और 1 से क्लोज। ये इनके बीच में क्या कॉमन है? आपको सर कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या आएगा? इंटरसेक्शन फाई, तो यहां क्या आ गया? एफ इनवर्स फाई। और एफ इनवर्स जो होता है फाई की इमेज क्या देता है? फाई। यहां से मुझे क्या पता चल गया कि जी का इंटरसेक्शन एच के साथ किया, क्या आ गया? फाई। क्या आ गया? इंटरसेक्शन फाई। लेके क्या चला था मैं? लेके एक्चुअलिटी में मैं ये चला था कि एक एफ वन क्लोज सेट है जो कहां कंटेन करता है? जी में। F2 एक क्लोज सेट है जो कहां कंटेन करता है? H में। और G का इंटरसेक्शन H के साथ किया गया तो फाई आ गया। तो कुल मिला के ये तो डेफिनेशन नहीं है नॉर्मल स्पेस की। आप कहोगे यस सर दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल स्पेस। क्या है ये हमारे पास? डेफिनेशन है नॉर्मल स्पेस की। मतलब स्पेस हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। स्पेस क्या हो गया हमारा? नॉर्मल हो गया, ओके। आइए एक बार फिर से थोड़ा बता देता हूं ग्राफिकली हमने क्या वर्क किया है, ध्यान से सुनना। हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया XT और उसके कोई दो क्लोज सेट है, एक है F1 और एक है F2। और मैंने मैपिंग A से लेके B था तो A से लेके B को मैंने डिफाइन कर दिया 0,1, कुछ भी ले सकते हैं, AB चलाओ। और ये मैपिंग थी।
मुझे सबसे पहले लेके आने थे ये दोनों डिस्जॉइंट, तो मेरा टारगेट था ओपन सेट लेके आना, जो एक तो F1 को कंटेन करता हो, एक F2 को। इसको लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ओपन बना दिए R में, कौन बनाए, इन्फिनिटी टू, इसका हाफ ले लो या 1/3 ले लो, कुछ ले लेते, इसके अंदर का पॉइंट लेना था कोई भी, और उस पॉइंट पे ओपन करना था, 1/2 करो, 1/3 करो, 1/4 करो, कोई मैटर नहीं है, 1/2। और दूसरा क्या लिया, 1/2 से इन्फिनिटी पे। इनकी सहायता से दो ओपन सेट मिल गए इसके अंदर, जिनका नाम क्या था इनका, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन किया, एक आ गया क्या नाम है, 0 से ½, और दूसरा आ गया 0.5 से 1। ये ओपन है तो इनकी इनवर्स इमेज क्या आ गई, ओपन, जिसका नाम क्या रखा था हमने, एफ इनवर्स 0 और ½, और इसको एफ इनवर्स 0.5 और 1। ये फिर मैंने दिखाया F1 इसके अंदर, F2 इसके अंदर, फिर मैंने दिखाया इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई, मतलब स्पेस हमारा क्या हो गया, स्पेस हमारा नॉर्मल हो गया, क्या हो गया, स्पेस हमारा नॉर्मल हो गया। क्या मुश्किल प्रूफ है, आप कहोगे सर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर डेफिनेशन पता है नॉर्मल स्पेस क्या होता है और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पता, पता क्या, टोपोलॉजिकल स्पेस एक ऐसा पेपर है जहां एवरी रिजल्ट रट्टा नहीं चलेगा, पता होना चाहिए कौन सा रिजल्ट कहां यूज हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका कन्वर्स करेंगे, मतलब आपको ये गिवन होगा स्पेस नॉर्मल है, क्या गिवन होगा, स्पेस नॉर्मल है, और आपको ये दिखाना होगा एक कंटिन्यूअस मैपिंग मिलती है, क्या मिलती है, एक कंटिन्यूअस मैपिंग मिलती है कि जब आप F के ऊपर क्या लगाई, F1 पे जब लगाते हो तो आंसर 0 आएगा, और जब आप F2 पे लगाते हो तो आंसर 1 आएगा। और ये जो इसका कन्वर्स पार्ट है, दैट इज सो इंपॉर्टेंट, ओके, इसलिए ये जो आज का पार्ट मैंने आपको बताया है अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन चीजों का जब मैं कोई आगे टोपोलॉजिकल स्पेस करेंगे 3.5 स्पेस वहां मैं यूज करूंगा, ओके, इसको अच्छे से करना है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।